जब आप बावे रोड पर आए और बिल्कुल बलिदान स्तंभ के पास पहुंचे, हो सकता है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े जब आप हाईवे नरवाल हाईवे से नीचे आएंगे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट जो है वो देर रात को हुआ है। देर रात को जो है एक जोरदार बारिश भी हुई थी। उसके बाद आपको बता दें कि ये जो ट्रक है इसमें जो है वो सीमेंट जो है वो लदा हुआ था, इसमें सीमेंट की बोरियां थी। लेकिन जब ये हाईवे से नीचे की तरफ आता है, जब नरवाल हाईवे से नीचे की तरफ आता है, और सबसे पहले आपको ट्रक के नंबर से शुरुआत करते हैं, आपको ट्रक का जो है नंबर दिखाते हैं, JK08G5943, यानी जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि सीवेज का काम चल रहा था कुछ दिन पहले, और यहाँ पर जो है वो पाइप बिछानी थी, उसके लिए यहाँ पर खुदाई की गई थी। लेकिन फिर जो है वो काम पूरा होते ही इसे कच्चे मलबे से जो है वो भर दिया गया। यहाँ पर जो है प्रॉपर पक्का काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से जब रात के अंधेरे में जो है वो ट्रक यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था तो जो है इसमें धस गया। और यहाँ पर जो हमें पता चला है उसके यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो नहीं है। अंधेरे में जो है मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। और अंधेरे की बात करते हैं, अंधेरे में जो है ये ट्रक था और ये जो है वो इस मलबे के अंदर जो है वो चला गया। और ये जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये लगाया गया क्योंकि ट्रक जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो धस रहा था, और इनको जो है वो सपोर्ट लगा दिया गया। और ये ट्रक जो है वो सीमेंट से भरा हुआ है, इसे अभी जो है दूसरे ट्रक में लोड किया जा रहा है। और ये ऑनर है, ये इनसे बात, ये ड्राइवर थे, माफ कीजिएगा, ये ड्राइवर, इनसे बात करते हैं। सर एक सेकेंड, आपका नाम? मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल। पुरुषोत्तम जी, आप मुझे बताइए कि रात के अंधेरे में जब आप आ रहे थे तकरीबन क्या समय था? वो समय 1:30 बजे था। आप ही चला रहे थे? नहीं चला। सर क्या हुआ आप बताइए? मैम जी क्या होना था, इतना पानी था, बारिश बहुत चल रही थी। हाँ जी, तो बारिश बहुत थी तो क्या बोलते उसको, इधर गड्ढा था, पानी भरा हुआ था, गड्ढा दिखाई नहीं दिया, तो जैसे आया गाड़ी इधर तो टायर स्लिप हुआ। तो सर एक, आप ठीक हैं? जी, कुछ नहीं, आपके साथ कोई और था? नहीं, मैं अकेला था। चलिए ऊपर वाले का शुक्रिया कि आप ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स क्या प्रॉपर काम कर रही थी? लाइट नहीं, अंधेरा था। आपके साथ कोई और था? मैं अकेला था। जी, तो कोई आपको, जिस तरह से थाना यहाँ पर पास ही है, कोई आपको मदद मिली है किसी की? नहीं मैम जी, ये नहीं है बेचारे, वो तो उन्होंने कुछ नहीं बोला हमको, वो बेचारे उनको पता नहीं। हाँ जी, कोई मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? चले आप ठीक हैं, कोई मैसेज रहेगा प्रशासन की किसी को देखने के लिए, या जो लोग आपको देख रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ सर, जी जी, क्या कहना चाहेंगे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का? हाँ जी मैम जी क्या बोलना है, देखो बचाओ गया अपना बस, और कुछ नहीं। जी चलिए ये ठीक है, उतना ही बहुत है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, ये सपोर्ट आपने खुद से लगवाई? हाँ मैंने खुद लगाई थी। जी, बारिश पड़ रही है, क्या बताऊँ, गड्डी पलटी ना जाए। और कभी भी उल्टा हो रहा था क्योंकि जमीन के अंदर धस रहा था, तो इन्होंने जो है सपोर्ट्स लगाए। चलिए वो ठीक है, उनका ये कहना है कि चलिए जान बच गई तो लाखों पाए। तो ये जो उनका ट्रक है वो एक ट्रक से जो है वो सीमेंट की बोरियां निकालकर दूसरे ट्रक में जो है वो लोड करवा रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करते हैं, पूरे जो है वो सीमेंट से भरा हुआ ट्रक जो है वो यहाँ पर जो है वो गिरा, और यहाँ पर जो है वो दिक्कतें भी आ रही हैं। अभी ने जो है वो विभाग कह रहा है कि आप जल्द से जल्द जो है इसे खाली करवाइए, और इसे जो है वो किसी अच्छी, मतलब जहां पर ये ठीक हो सकता है वहां पर पहुंचाइए। तो चलिए गनीमत रही कि वो जो है वो बच गए। मैं आपको ट्रैफिक भी बताती हूँ किस तरह से जो है वो बाधित हो रहा है वहां पर ट्रैफिक। लेकिन आप देख सकते हैं कि चलिए उनकी जान जो है वो बच गई, ये बहुत है, बड़ी बात है। लेकिन ये ट्रक जो है ये उनकी गलती की वजह से नहीं पलटा है, ये पलटा है रोड खराब होने की वजह से। और वो भी आपको बता दें कि गवर्नमेंट जहां पर कहती है कि हम काम कर रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, आप स्मार्ट सिटी बनाइए, लेकिन जब आपका काम पूरा हो जाता है उसे जो है उसके बाद में जो है आप सही तरह से सही सीमेंट का उपयोग करें, रोड को सही तारकोल से ढके ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। ये रोज ये जो व्यक्ति है ये इस ट्रक को चलाते हैं, इनका ट्रक नहीं है, कितना नुकसान जो है वो उन्हें हुआ होगा और किस तरह से जो है वो उन्हें यहाँ पर नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। हालांकि उनकी जान बच गई, वो इसी में जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं ऊपर वाले का। लेकिन आपको इसके साथ साथ बता दें कि उनकी गलती की वजह से यहाँ पर ट्रक जो है वो नहीं पलटा, ट्रक पलटा है रोड की वजह से, क्योंकि रोड पर जो है वो काम चल रहा था, सीवेज का काम चल रहा था, और जब इसे भरा गया तब
तब ये नहीं देखा गया कौन सा मटेरियल डालेंगे, हाईवे से गाड़ियां नीचे आएंगी और ट्रक्स भी यहाँ से जो है नीचे आएंगे, तो किस तरह की मुश्किलें जो है यहाँ पर रहेंगी। उसे बस अपना काम खत्म करते हुए जो है भर दिया गया कि जल्दी जल्दी से जो है रोड भर दिया गया, लेकिन रोड जो है वो कच्चे मलबे से भरा गया था जो बारिश के आते ही जिसकी पोल जो है वो खुल गई। तो आप यहाँ पर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया और इसमें जो है गलती जो है वो इस डिपार्टमेंट की गलती है जिसने जो है रोड की तारकोल को अच्छी तरह से फिल नहीं किया और मलबा जो है वो अच्छी तरह से नहीं डाला। बारिश के आते ही जो है इसमें जमीन का धसना शुरू हुआ, ट्रक जो है वो उसके अंदर जो है वो समा गया। तो आप जो है वो अपनी राय को भी साझा कीजिएगा और बताइएगा कि स्मार्ट सिटी बनने के साथ साथ लोगों की जान से खिलवाड़ जो है वो होना जरूरी है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।